इस गांव की मिट्टी से फसल नहीं बल्कि निकलते हैं शिवलिंग, एक या दो नहीं 100 से ज्यादा शिवलिंग, वो फिर एक ही गांव की परिसीमा में, सुनकर अजीब लगता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से उत्तर दिशा की ओर तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर तिहड़ी ब्लॉक में है गांव नरेंद्रपुरा। इस गांव की कहानी सुनकर आपको अजीब लगेगा, क्योंकि यहां की मिट्टी से फसल के बदले शिवलिंग उपजता है। गांव में हर जगह आपको शिवलिंग ही नजर आएगा, क्योंकि अगर कोई खेती या किसी भी काम से गड्ढा खोदता है तो मिट्टी के अंदर से शिवलिंग निकलता है। नरेंद्रपुर गांव में हर तरफ शिवलिंग ही दिखाई पड़ते हैं, छोटे से लेकर बड़े। इस तरह 100 से ज्यादा शिवलिंग गांव के विभिन्न कोनों में पूजे जाते हैं। कितने शिवलिंग मंदिर में स्थापित किए हैं, लेकिन बहुत सारे शिवलिंग आज भी खुले आकाश के नीचे ही पूजे जाते हैं, जिसको गांव वाले आबाल वृद्ध वनिता पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस गांव के जिस जगह भी गड्ढा खोदोगे वहां से कोई छोटा या बड़ा शिवलिंग जरूर दिखाई देगा। इसी भय से गांव की परिसीमा में गड्ढा खोदना बंद कर रखा है। अपने गांव से उपजे इन शंकर भगवान को सभी गांव वाले बड़े ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के लोगों को पावन श्रावण की महीने में और कहीं जलाभिषेक करने जाने की आवश्यकता नहीं होती। लोग अपने घर या आसपास में ही महादेव का जलाभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय।